देवास में फिर नकली नोट चलाने का मामला सामने आया है और नकली नोट से सामान खरीदते एक व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल व्यक्ति के पास से एक ही नंबर के 1100 रुपए के और दूसरे एक नंबर के 400 रुपए के नोट बरामद किए गए हैं। ये व्यक्ति राजाराम नगर की किराना दुकान के सीसीटीवी कैमरे में सामान खरीदते हुए देखा गया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल कुछ दिनों से लगातार एक व्यक्ति राजाराम नगर स्थित किराने की दुकान पर 100 रुपए के नकली नोट लेकर किराने का सामान खरीदने आ पहुंचा, जो कि पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद होता रहा। और मामले की जानकारी जब पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति को पकड़ लिया, जिसके पास से पुलिस ने एक ही नंबर सीरीज के 100 रुपए के और 11 नकली नोट और दूसरे एक ही नंबर सीरीज के 100 रुपए के 4 नोट बरामद किए हैं। और नकली नोट रखने के मामले में एजाज पिता राजा शेख के खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है और पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो हमारी दुकान पे 7-8 रोज पहले आया था। क्या बोल रहा था? वो सामान लिया उसने 70 और बाकी तो वो 100 का नोट दिया हमको, और उसके बाद में अब वो हमने ध्यान रखा नहीं, फिर बाद में मालूम पड़ा कि नकली नोट दे गया आपने। फिर हमने कैमरे में चेक किया उसको, तो वही आदमी निकला जो अभी पकड़ाया। ये व्यक्ति कितनी बार दुकान पर आया था आपकी? ये पहली बार ही आया। उसके बाद से नहीं आया फिर? नहीं, उसके बाद नहीं आया। क्या नाम है भैया? 30/7/19 को एक मुखबिर द्वारा जो है हमारे सैनिक को ये सूचना दी गई थी कि रामनगर में जो किराने की दुकान है, सतीश नाम का एक व्यापारी है, उसको भी व्यक्ति जो है उसकी दुकान पर सामान खरीदने गया है और उसके पास जो है नकली नोट है। इस पर जो है सूचना पर हम वहाँ पर पहुँचे थे। वहाँ जाकर पाया कि वहाँ काफ़ी भीड़ थी। जब उस व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम एजाज शेख बताया, जो कि स्वास्थ्य कॉलोनी इटावा का रहने वाला है। और उसकी तलाशी ली तो हमें उसके पास से जो है वो एक ही हुई है कि जो है 11 नोट मिले हमको, जो कि टच करने से देखने से ही नकली नज़र आ रहे थे। इस पर से हमने वो नोट जब्त किए हैं, उसको आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उसमें एक ही सीरीज़ के डबल नोट थे, जिससे स्पष्ट है कि वो नकली नोट है। और आज हम उसको न्यायालय पेश कर रहे हैं और इस बात की विवेचना की जा रही है कि वो नकली नोट को कहाँ से लाया। उससे पूछताछ की गई तो उसने ललित वर्मा नाम के व्यक्ति से उक्त नोट लाना बताया है। सर, ये भाई साहब तो उसके भी हम पता रसी कर रहे हैं।